हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं साल 2016 की आई हुई फिल्म डोंट ब्रीथ के सीक्वल के बारे में। जी हां, इस फिल्म के सीक्वल को लेकर फाइनली कुछ डिटेल्स निकल कर आई है, जो डिटेल एक्चुअल में शॉकिंग है, जिसमें मैंने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ऑलरेडी लिख दिया है कि इस मच अवेटेड फिल्म के सीक्वल की शूटिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो अब क्या ये सभी की सभी डिटेल्स, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जिस किसी ने भी साल 2016 की डोंट ब्रीथ फिल्म देखी है, उन्हें ही पता होगा कि इस फिल्म का सीक्वल क्या मायने रखता है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये वेट बहुत ही ज्यादा लंबा चला गया। और जिस तरीके की ऑसम फिल्म डोंट ब्रीथ बनाई गई थी अपने काफी कम बजट में, उस कम बजट से उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी, जिसके चलते इस फिल्म का नाम साल 2016 की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म की लिस्ट में लिया जाता है, ठीक गेट आउट और अभी की जोकर फिल्म की तरह। हालांकि जोकर फिल्म इन सभी से कमाई के मामले में बहुत ही ज्यादा ऊपर है, लेकिन फिर भी बात करें फिल्म डोंट ब्रीथ की, तो फैंस इस फिल्म के अभी भी उतने ही दीवाने हैं, क्योंकि जिस तरीके का पेस इस फिल्म का हमारे सामने रखा गया था वो ट्रेलर में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और फिल्म उससे भी ज्यादा अच्छी। लेकिन फिर क्या था, जिस तरीके से इस फिल्म का एंड किया गया उससे लोगों के बीच एक उम्मीद छोड़ दी गई कि स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म के सीक्वल को बनाया जाएगा, क्योंकि फैंस को ये देखना है स्टीफन लैंग का कैरेक्टर जो इस फिल्म में द ब्लाइंड मैन है, वो आगे जेनी लीवी के कैरेक्टर रॉकी के साथ क्या करेगा। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुद स्टूडियो को भी इसका आइडिया नहीं था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी जबरदस्त हिट रहेगी, जिसके बाद जाकर उनकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन इस फिल्म के सीक्वल पर आकर गई कि फिल्म के सेकंड पार्ट में कौन कौन सी बेस्ट चीजें डालनी चाहिए, खास करके स्टोरी वाइज, क्योंकि अगर फिल्म के प्लॉट में ही दम नहीं होगा तो लोग सिर्फ टाइटल के ही बलबूते पे फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए क्यों जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट इस फिल्म के सीक्वल के प्लॉट से रिलेटेड निकल कर आई है, वो सच में मेरे लिए तो किसी डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो है कि इस फिल्म का सीक्वल फाइनली हमारे सामने रखा जा रहा है, लेकिन काफी ही अलग अंदाज में। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो डिटेल इस फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड लोगों के सामने रखी गई है, वो सीधे सीधे यही बता रही है कि ये फिल्म सीक्वल सिर्फ और सिर्फ इसके टाइटल और फिल्म के लीड कैरेक्टर स्टीफन लैंग से ही रिलेटेड है। जी हाँ, और अब प्लॉट की बात करें तो कहानी हमें ये बता रही है कि ब्लाइंड मैन का कैरेक्टर जो रॉकी के उस इंसिडेंट से सर्वाइव कर चुका है, वो अपनी आम सी जिंदगी कंटिन्यू रख रहा है एक ऑर्फनेज बच्ची को गोद लेकर। और फिल्म के फर्स्ट पार्ट में जो इवेंट हुआ था उसे एक अरसा हो गया है और लोगों को अब भी यही लगता है कि विक्टिम ये ब्लाइंड मैन ही है। उसके बाद फिल्म की कहानी में ट्विस्ट है, फिल्म के विलन जो इस बार ब्लाइंड मैन नहीं बल्कि कुछ किडनैपर्स है जो उस ब्लाइंड मैन से उसकी वो ऑर्फनेज बच्ची छीन ले जाएंगे, जिसके बाद वो ब्लाइंड मैन एक मिशन पर निकलेगा, जिस मिशन में ऑब्वियसली वो ब्लाइंड मैन अपनी उस ऑर्फनेज बच्ची को फिर से अपने साथ रखने के लिए हर एक लिमिट को क्रॉस करेगा, जैसी लिमिट उसने फिल्म के फर्स्ट पार्ट में क्रॉस की थी। तो ये है फिल्म के सीक्वल का ऑफिशियल प्लॉट, जिसकी डिटेल लोगों के सामने रखी गई है। तो सुनने में फिल्म का प्लॉट हमें कुछ भी नया ऑफर नहीं कर रहा, यानी कि फैंस को जो स्टोरी की कंटिन्यूएशन चाहिए थी वो कंटिन्यूएशन डेफिनेटली उन्हें नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि फिल्म के बोगीमैन यानी कि द ब्लाइंड मैन को भी फिल्म का मेन विलन नहीं बनाया गया, यानी इस कैरेक्टर को अच्छी साइड कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि फिल्म के पहले पार्ट में हमें ये बताया गया कि ब्लाइंड मैन कितना ज्यादा खतरनाक और उसके प्लान कितने ज्यादा घटिया है, लेकिन अब उस कैरेक्टर को लोगों के सामने एक हीरो बनाकर प्रेजेंट करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसकी अगर सिमिलरिटी की जाए तो फिल्म की कहानी की थोड़ी बहुत डिटेल हमारी हिंदी फिल्म काबिल से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। बट ये फिल्म पता है मुझे हिंदी के लेवल की नहीं बल्कि हॉलीवुड के लेवल की बनाई जा रही है, जिसमें हमें देखने के लिए काफी सारे एक्शन के साथ साथ बहुत सारी ब्रूटेलिटी भी मिलेगी, जो कि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में भी थी। और अब रही बात फिल्म के प्रोडक्शन की, तो इसकी ऑफिशियल अपडेट कहीं से भी लीक नहीं हुई, बल्कि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन खुद फिल्म के लीड एक्टर स्टीफन लैंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है, वो भी फिल्म के सीक्वल के कुछ मर्ज की अनाउंसमेंट के साथ, जिसमें हमें टी शर्ट पर लिखी हुई ये चीज भी साफ साफ नजर आती है कि इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग इसी साल की है या फिर इसी साल की थी, जो कि कोविड की सिचुएशन के चलते फिलहाल तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थिएटर्स तो रीओपन हुए ही है बट बॉक्स ऑफिस नंबर फिलहाल तो उम्मीद के मुताबिक उतने नहीं आ रहे हैं जितनी स्टूडियो ने उम्मीद लगा रखी थी। और या तो फिर दूसरा ऑप्शन इस फिल्म को स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का भी है, जो कि मेरे हिसाब से इस कम बजट की फिल्म के लिए प्रॉफिटेबल तो होगा ही, लेकिन अब ये चीज पूरी तरीके से डिपेंड स्टूडियो पर करती है कि वो इस फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहते हैं या फिर थिएटर्स में। और एक बात इस फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि स्टीफन लैंग ने साफ साफ ये बात कही है कि उनकी शूटिंग इस फिल्म को लेकर पूरी तरीके से खत्म हुई है, यानी कि हो सकता है कि फिल्म के कुछ पोर्शंस को अभी भी शूट करना बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टीफन लैंग ही इस फिल्म के लीड अकेले एक्टर है जिन्हें फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक रहना है, तो उनका पैकअप मतलब फिल्म का पैकअप भी माना जा सकता है। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग बची होगी अब और शायद फिल्म के कुछ VFX वर्क, जिसके बाद जाकर ये फिल्म पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए रेडी रहेगी। आई होप स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की भी कंफर्मेशन की जाए, और हाँ, इस फिल्म के टीजर ट्रेलर की भी, जिसके लिए फिलहाल तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप इस फिल्म के फैंस भी होंगे, भले से ही इस फिल्म का ऑफिशियली प्लॉट कैसा भी क्यों ना हो, उसका पूरा रिजल्ट इस फिल्म के फर्स्ट लुक टीजर या फिर ट्रेलर को देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस बार इस फिल्म के सीक्वल को डायरेक्ट अल्वेजार ने नहीं किया है, बल्कि उन्होंने फिल्म की स्टोरी लिखी है फिल्म के दूसरे राइटर रूडो साइगस के साथ, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो अब इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा
थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।